सोमवार को गैस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें तथा बेतहाशा बढ़ती महंगाई बेरोजगारी की निषेधार्थ केंद्र सरकार के विरोध में छत्रपति चौक पर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे की अध्यक्षता में आंदोलन किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए है। खाद्य तेल में पहले से ही आग लगी हुई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब रही सही कसर रसोई गैस के दाम बढ़ाकर पूरी कर दी गई। रसोई गैस के दामों में दो से चार नहीं बल्कि 25 रुपए से ज्यादा की वृद्धि की गई है। दाम वृद्धि को लेकर सरकार के निर्णय आम जनता को नहीं बल्कि उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में छत्रपति चौक पर प्रदर्शन किया। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 2014 से जो जनता को त्रास देने वाली केंद्र में जो शासन बैठा है उस केंद्र शासन के खिलाफ ये आंदोलन जारी है। उसका कारण है कि जो गैस का भाव, गैस सिलेंडर का भाव आज 400 रुपए था वो आज 900 रुपए तक के पहुंच गया। जो 60 रुपए का पेट्रोल वो 114 रुपए पहुंच गया। जो डीजल 40 रुपए था, 50 रुपए था, वो आज 100 रुपए के पार हो गया। आज ये पेट्रोल, ये महंगाई पेट्रोल डीजल महंगा होने से, गैस महंगा होने से बाकी महिलाओं का या जो भी सांसारिक लोग है उन सांसारिक लोगों का पूरा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया। आज रोजगारी बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ गई है जिसके वजह से आज किसी भी प्रकार के घर में चूल्हे जलने से मुश्किल हो गए। आज जो 2014 में केंद्र में मोदी शासन आया, मोदी शासन ने यहाँ के जनता को हम अच्छा एक नया युग देंगे, रोजगार देंगे, जिस प्रकार को यहाँ पे पैसा 15-15 लाख रुपए आपके सबके खाते में देंगे, ये सारे जो झूठे वादे किए। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।